हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैथ कॉम्बैट में हम लोग बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड्स की। आज मैं बात करने वाला हूँ न्यूटन रैफसन के बेसिक से क्वेश्चन की। क्वेश्चन में अभी तक न्यूमेरिकल मेथड्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला है कि इस इटरेशन के बाद आंसर दीजिए। मैं आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 12। ओके, आपको लगेगा ये तो हम कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल आप निकाल सकते हैं, बट आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है न्यूटन रैफसन मेथड से। राइट, न्यूटन रैफसन आपको अप्लाई करना न्यूटन रैफसन मेथड, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं और ऑप्शंस में देखिए कितना करीबी मामले के साथ ऑप्शन फ्रेम किया हुआ है। अंडर रूट 12 की वैल्यू आपको निकालना है करीबी मामले के साथ। हमारे पास ऑप्शन ए मेरे पास है 3.462, ऑप्शन बी 3.463, ऑप्शन सी, क्योंकि यहां पर मैंने एक और मेंशन कर देता हूं चीज, आपको निकालना है अप टू थ्री डेसिमल प्लेसेस। ओके, एंड द लास्ट ऑप्शन सी मैं दे रहा हूँ, के पास 3.467 दे देता हूँ, और ऑप्शन डी मेरे पास 3.634। ओके, सो वी हैव दिस फोर ऑप्शंस। अपने पास अंडर रूट 12 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, न्यूटन रैफसन मेथड से कैलकुलेट करना है। अभी मैं इसका जब सॉल्यूशन दूंगा, आप कॉम्बैट में इसका सॉल्यूशन देखिएगा, तो सॉल्यूशन में मैं सीधे लेके आऊंगा न्यूटन रैफसन मेथड को, इंट्रोड्यूस करेंगे और अंडर रूट की बात करेंगे कि अंडर रूट एन की वैल्यू को न्यूटन रैफसन मेथड से हम लोग कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, और उसके बाद हम उस वैल्यू में यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू और चेक करेंगे कैलकुलेटर से आप कि आंसर क्या होने वाला है। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। थैंक यू सो मच।